नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। अहम खबर आपको बताने की, जम्मू कश्मीर के नौशहरा में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाएंगे और जवानों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बनने के बाद हर साल बॉर्डर पर दीपोत्सव मनाते हैं पीएम मोदी, और अब इस बार भी जवानों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जब से वो पीएम बने हैं, पीएम बनने के बाद कोई सा साल ऐसा नहीं गुजरता जब वो बॉर्डर पर जाना नहीं बोलते। पीएम बनने के बाद हर साल बॉर्डर पर दीपोत्सव मनाने के लिए पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप और हम हर दिवाली चैन और सुकून के साथ मनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस वक्त हम जश्न में डूबे होते हैं तो हमारे और आपके बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश की सरहदों की रखवाली में लगे होते हैं, देश की निगरानी वो कर रहे होते हैं ताकि आप और हम सुकून से हर त्यौहार मना सकें और अपनी दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन आपको हम बताएं कि सैनिक जो होते हैं हमारे, वो हर पल हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, और उनकी मुस्तैदी की वजह से आप और हम सुरक्षित रह पाते हैं, देश हमारा सुरक्षित है। सरहदों की सुरक्षा में हर पल लगे सैनिक इन्हीं वजहों से दिवाली जैसे त्यौहार भी अपने घर वालों के साथ नहीं मना पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सैनिकों की हर दिवाली पिछले 7 सालों से तो हम यूँ कहेंगे कि खास होती जा रही है। बेशक वो घर वालों से दूर हैं, बेशक वो अपने माँ बाप से दूर हैं, बेशक वो अपने बच्चों से दूर हैं, लेकिन इस बीच कोई है जो उनके पास पहुँचता है और उनकी दिवाली को खास बनाता है, क्योंकि पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिवाली जवानों के साथ उनके बीच मनाते आ रहे हैं। तो मोदी की बॉर्डर वाली दिवाली पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, ये भी अपडेट हम आपको बताएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर के नौशहरा में दिवाली मनाने के लिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यहाँ पर पहुँचेंगे। अहम खबर और खास खबर, दिवाली पर सैनिकों के साथ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ वो दिवाली की खुशियां बांटते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हर बार की तरह सैनिकों के साथ इस बार भी दीपावली मनाएंगे। तो कश्मीर में हर बार जैसे वो पहुंचते हैं सैनिकों के साथ जश्न मनाते हैं दीपावली का, इस बार भी सैनिकों संग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। आपको बता दें कि राजौरी जिले के नौशहरा में सैनिकों के साथ पीएम मोदी दिवाली की खुशियां साझा करेंगे। और हालांकि प्रधानमंत्री के सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के आपको बताने के कहा यह भी जा रहा है कि जो स्थान अभी तक सामने आ रहा है वो अंतिम समय में बदला भी जा सकता है। वहां दरअसल पिछले साल ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर राजौरी जिले में तैनात जवानों के बीच दिवाली मनाई थी, और पहले भी जवानों के साथ वो दिवाली मना चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए देश की कुछ सीमाओं का दौरा करते हैं और ऐसे मौके पर जवानों से मिलकर उनका हालचाल जानते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनसे मिलकर पीएम मोदी उनके साथ वक्त बिताकर मिठाइयां बांटते हैं। पीएम मोदी इससे पहले भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बाकी और जगहों पर भी जवानों के बीच जाकर उनके साथ दिवाली जैसा खास त्यौहार, अहम त्यौहार सेलिब्रेट कर चुके हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार 2016 में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय तिब्बती सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2017 की बात करें तो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात सैनिकों के साथ खुशी का त्यौहार मनाया था। इसी तरह 2018 में भी पीएम मोदी ने उत्तराखंड में चीनी सीमा पर तैनात सेना के जवानों और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं दिवाली की खुशियां बांटने सैनिकों के साथ, सैनिकों के बीच। तो जम्मू कश्मीर में सैनिकों के संग आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस बार की दिवाली अपनी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से ये त्यौहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ जाते हैं बॉर्डर पर ताकि उन्हें घर वालों की कमी महसूस ना हो, और वो इस त्यौहार को उनके साथ जब बिताते हैं जवान तो उनका हौसला बढ़ता है और लगता है कि जब देश का सबसे बड़ा चेहरा, देश की सबसे बड़ी शख्सियत उनके साथ मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि उनकी दिवाली के इस त्यौहार में रौनक जो है, जगमगाहट और जो है खुशियाँ जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, आप तक हर अपडेट हम यहाँ पर पहुँचा रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई। तो अहम खबर फिलहाल यही है जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले की ये तस्वीरें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो इस बार भी दिवाली पर सैनिकों के साथ होंगे, जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली जैसा त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी एक बार फिर सरहद की हिफाजत में तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, और नौशहरा में इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो और भी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा जो वहाँ पर जवान मौजूद हैं उनका तो हौसला बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन देश को भी एक अच्छा मैसेज और एक संदेश जो है वो जाता है कि देखिए देश की सबसे बड़ी शख्सियत जो है और देश का सबसे बड़ा चेहरा जो है और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना त्यौहार सेलिब्रेट किस तरीके से करते हैं। उन्हें फिक्र होती है ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ देश की सरहद पर जो जवान टिके हुए हैं उनकी खुशी
खुशियों की, देश की सरहद पर जो जवान अकेले हैं अपने घर बार सब छोड़े हुए, उनकी खुशियां कैसे वो सेलिब्रेट कर सके, कैसे वो दुगनी कर सके, इसी का वो बेहद ख्याल रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशीष सिंह, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, हर साल की तरह इस बार भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, कितनी हौसला अफजाई होती है ऐसे में जवानों की जब देश का प्रधानमंत्री उनके साथ त्योहार मनाने पहुंचता है। दिवाली जिस तरह से परंपरा का त्यौहार और खुशियों का त्यौहार मनाया जाता है, और उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लगातार हर साल वो दिवाली बॉर्डर पर या तो मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री के जवानों के साथ में मिलकर वो दिवाली मनाते हैं, और उसी परंपरा को फिर कायम करते हुए कल भी प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाएंगे। और इस बार उन्होंने जगह चुनी है नौशेरा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का वो जगह जहां से पाकिस्तान काफ़ी नज़दीक है, POK काफ़ी नज़दीक है, और LOC के पास में जाकर फॉरवर्ड पोस्ट में देखिए जवानों के साथ में दिवाली मनाना दिल्ली में भी इंडियन आर्मी के बेसिस हैं, मुंबई में भी इंडियन नेवी है, बहुत सारे जगहों पर एयरफोर्स है, लेकिन फॉरवर्ड लोकेशन पर बॉर्डर के पास में जाकर दिवाली मनाना जवानों के साथ में, ये एक बड़ा संदेश होता है सभी को, पूरे देश को। दूसरा संदेश होता है उन सभी जवानों को कि आप भले ही परिवार से कोसों दूर हैं सरहद की रक्षा करते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आप सभी को ध्यान में रखते हैं, और जब देश में सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली मनाने का समय आता है तो वो जवान, वो अफसर जो कि बॉर्डर पर तैनात हैं, वो PM के फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनका परिवार है, और इसीलिए उनके साथ में खुशियाँ मनाते हैं। तीसरा मैसेज जाता है हमारे उन पड़ोसी देशों को जिनकी हमेशा से ही टेढ़ी नज़र रहती है हम पर, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी बॉर्डर पर जाके, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाके वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बार नौशेरा जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 2019 में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि पैरामिलिट्री है, उनके जवानों के साथ में जैसलमेर में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली मनाई थी। उसके पहले 2019 की दिवाली प्रधानमंत्री ने राजौरी में मनाई थी जो कि नौशेरा से काफ़ी नज़दीक ही है जम्मू एंड कश्मीर के, उस समय वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ में वो दिवाली मनाए थे। तो इस तरह से लगातार जब से PM बने हैं हर बार दिवाली मनाते हैं। एक और बात मैं दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहूँगा, देखिए प्रधानमंत्री आज जो बड़ी यात्रा थी, पहले वो इटली गए G20, फिर COP26 COP26 ग्लासगो में UK में, और उसके बाद में वो आए, परसों वो केदारनाथ जाएंगे, इसी बीच में कल का समय है जब दिवाली है तो उसमें भी उन्होंने समय निकाला और जवानों के साथ में उसी परंपरा को कायम करते हुए प्रधानमंत्री नौशेरा में इंडियन आर्मी के जवानों के साथ में दिवाली मनाएंगे। काफ़ी टाइट शेड्यूल है, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, अंतर्राष्ट्रीय दौरे के बाद में इस तरह से बैक टू बैक जर्नी करना आसान होता नहीं है, जेटलैग होता है, और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को अगर हम देखें तो जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे कि केदारनाथ में आप जब जाएंगे, राजौरी में जाएंगे, नौशेरा जाएंगे, वहाँ पर आसान होता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के बाद में जेटलैग की वजह से, लेकिन परंपरा को मेंटेन रखे हुए और इंडियन आर्मी के जवानों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम आपके साथ में। बिल्कुल, और ये संदेश जाना बेहद जरूरी है क्योंकि आशीष, जब आप और हम घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, हर त्यौहार अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन जवानों के बीच पहुंचते हैं जो कहीं ना कहीं आज के दिन या फिर त्योहारों के दिन तो अपने घर वालों को मिस करते हैं, और ऐसे वक्त में जब PM मोदी उनके बीच पहुंचते हैं तो एक हौसला मिलता है, एक अपनापन जिसे वो मिस करते हैं दूर रहकर सरहद पर, वो कहीं ना कहीं झलकता है प्रधानमंत्री के ऐसे दौरों से और जवानों के साथ दिवाली मनाने से। तो जवानों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि हर साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार भी बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जवानों संग दिवाली केदारनाथ में साधना, देखिए एक ही वक्त में तमाम उन कामों को अंजाम देना है जिससे हर पल ये एहसास हो सके कि देश का प्रधानमंत्री, देश की इतनी बड़ी शख्सियत हर समय हर पल आपके साथ मौजूद है, आपके साथ खड़ा है। तो जवानों के संग दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एक बार फिर से, जब आप और हम जश्न में डूबे होते हैं और हमारे आपके बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरहदों की रखवाली में लगे होते हैं, जिन्हें ना अपने घर की फिक्र होती है, ना अपने परिवार की फिक्र होती है, ना किसी त्यौहार से कोई मतलब होता है, क्योंकि उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ अपने देश से, उन्हें मतलब होता है, फिक्र होती है तो सिर्फ अपने देश की सरहदों पर, और जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप और हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपना त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, लिहाजा वो अपना हर त्यौहार कुर्बान करके आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो सरहदों पर डटे रहते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब देश का प्रधानमंत्री उनके बीच जाता
करता है और दिवाली जैसे बड़े त्यौहार को सेलिब्रेट करता है तो कहीं ना कहीं ये जवानों की हौसला अफजाई भी होती है और उन्हें एक अपनेपन का भी एहसास कराता है। उस अपनेपन का एहसास जब ऐसा कोई त्यौहार होता है तो परिवार की याद आती है, घर वालों की याद आती है, माँ बाप की याद आती है। बहुत से न जाने सैनिक ऐसे कितने हैं हमारे जवान जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें छोड़कर वो सरहद पर निगरानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनकी दिवाली जो अधूरी रहती है, जो सूनी सूनी रहती है घर वालों के बिना, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच पहुंचते हैं, सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, तो ये अपनापन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 7 सालों पर बॉर्डर पर ही जवानों के साथ पीएम मोदी लगातार दिवाली मनाते आ रहे हैं, क्या लग रहा है वो जवान जो अपने घर वालों से दूर रहते हैं, वो जवान जो ऐसे वक्त में त्योहारों पर बहुत मिस करते हैं अपने घर वालों को, लेकिन जब पीएम मोदी का साथ मिलता है तो बेहद अपनापन उन्हें महसूस होता है, कितना हौसला बढ़ता है ऐसे वक्त में जवानों का? देखिए बिल्कुल, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है तब से लगातार हर साल वो बॉर्डर पर होते हैं, लगातार जवानों के बीच में होते हैं। आपने देखा कि अलग अलग इलाकों में जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारे देश के सेनाओं की वो जो ताकत बढ़ाते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, काबिले तारीफ है। शायद ही कोई ऐसा मौका रहा होगा पिछले 7 सालों में अगर देखें कि वो कोई से बॉर्डर पर ना गए हो, जवानों से ना मिले हों। और इस बार तो दिवाली और भी खास होने वाली है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार केदारनाथ धाम में आने वाले हैं, जहां पर मैं पहुंच चुका हूं, और यहां पर आकर वो तमाम लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। भव्य तरीके से तैयारी यहां पर चल रही है और जिस तरीके से मुझे जानकारी मिल रही है तकरीबन 100 से ज्यादा अलग अलग शहरों पर वो यहां से लाइव होंगे, तो यानी एक हर बार नई चौंकाने वाली बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव भी है, उससे पहले आना और केदारनाथ में आना, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 7 साल में ये 5वीं बार उनका कार्यक्रम है, 5वीं बार यहां पर आ रहे हैं, और जितनी आस्था उनकी केदारनाथ धाम पर है आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से एक तरफ सेना के जवानों का हौसला अफजाई करना और दूसरी तरफ यानी आस्था की नगरी देव नगरी यानी केदारनाथ आकर लोगों का मनोबल बनाना, अपना खुद पूजा पाठ करनी, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी भव्य लेवल पर तैयारी चल रही है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं बहुत कुछ कह के जाते हैं, यानी जो सौगात आपके देने वाले हैं वो बहुत बड़ी सौगात है। मेरे सहयोगी रमन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं रमन से भी आपसे मुखातिब कराना चाहूंगा। रमन, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केदारनाथ आते हैं, उनकी आस्था लगातार बनी हुई है, इस बार बहुत कुछ देकर जाने वाले उत्तराखंड। सरफराज देखिए, जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आती है, दरअसल यहाँ जो है यात्रा की इकोनॉमी चलती है, मतलब जिस तरह से हम खड़े हैं या जिस रास्ते से हम केदारनाथ पहुंचे, तो 6 महीने जो लोगों का व्यवसाय है वो इस यात्रा पर निर्भर करता है कि अगले 6 महीने का रोजगार उन्हें मिलता है। तो यानी जब प्रधानमंत्री वहां आते हैं तो पर्यटन के मानचित्र पर वो जगह आती है और ज़्यादा टूरिस्ट आपके पास आएंगे और ज़्यादा चीज़ें आएंगी। ऑल वेदर रोड की हम लोग बात करते हैं कि ताकि 12 महीने ये यात्रा चलती रहे, 12 महीने लोग केदारनाथ या सोनप्रयाग तक जा सके, इसका इंतजाम करने की बात पिछले कई दौरों से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात सरफराज की, ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, यानी शंकराचार्य की बड़ी मूर्ति का अनावरण वो करेंगे और शंकराचार्य वो हैं जिन्होंने दक्षिण से आकर और यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धामों को स्थापित किया। तो यानी उनका ये दौरा पूरे देश को एक बात में जोड़ता है, यानी शंकराचार्य की मूर्ति का करेंगे, तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक सबको जोड़ते हुए नजर आएंगे और बहुत सारी सौगातें इस वक्त हो सकता है, चुनाव का वक्त है तो उत्तराखंड को मिले। और एक बात और है रमन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब भी केदारनाथ आते, चूंकि उनकी आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी, आपको याद होगा चूंकि लगातार आप भी यहां आते रहे हैं कवर करने के लिए, जब जब भी प्रधानमंत्री यहां आते हैं उत्तराखंड वासियों को देना चाहते हैं, और एक तो खुद उनकी आस्था, लेकिन इस बार उनका कार्यक्रम बड़ा छोटा है, 4 घंटे का, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। बिल्कुल, 4 घंटे का कार्यक्रम है और जैसे सरप्राज हमने अपने दर्शकों को बताया कि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण होना है और पिछले कई वर्षों से लगातार रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि आपदा के बाद केदारनाथ पूरी तरह से कई चीजें थी जो खत्म हो चुकी थी, तो लगातार उस पर काम चलता रहा। तो एक बार ऐसे भी लगता है कि हर बार शायद आकर वो देखते हैं कि पिछली बार जो कह के गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हो सकती हैं। और कोशिश यही है कि पर्यटन के मानचित्र पर
केदारनाथ आए और ज्यादा लोग यहाँ पर आए, और सबके साथ की जो दुनिया में सबसे अच्छी सुविधाएं हैं वो उस ऊंचाई पर लोगों को मिले, उन यात्रियों को मिले जो कि वहां पर जाते हैं। रमन, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2019 में आए थे, 19 के बाद में चूंकि कोविड रहा, लगातार कोविड के बाद वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ अब आ रहे हैं, चूंकि एक तो कपाट बंद होने हैं, दिवाली के बाद कपाट बंद होते हैं, आपको याद है, और अब प्रधानमंत्री का आना, पूजा अर्चना करना, उनकी जो आस्था है, आस्था के अलावा वो कामों का तमाम निरीक्षण भी करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, तमाम जो अमली जमा है उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, तमाम यहां पर लगा हुआ है, इसको क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिल्कुल आस्था उनकी बहुत ज्यादा है, और शिव के धाम में जब भी वो आते हैं उनका कहना होता है कि मैं शिव को मानता हूं या केदार को मानता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गुफा में पिछली बार जो तस्वीरें आई थी जहां पे उन्होंने ध्यान करने की भी बात की कि मैं यहां पर आकर खो जाता हूं, तो शिव भक्त वो हैं प्रधानमंत्री मोदी इसमें, और लगातार वो इसीलिए बार बार केदार के दर्शन के लिए आते हैं, बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और इस बार भी जब वो आएंगे तो आस्था से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि सामने आने वाली हैं। और जब देश का मुखिया कहीं पहुंचता है, किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचता है, आस्था की ये तस्वीरें आती हैं, तो बहुत सारे लोगों की आस्था केदारनाथ धाम से जुड़ी है, उन्हें बेहद अच्छा लगने वाला है कि प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचे और उनके आस्था में हिस्सेदार बने। तो ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत आने वाली हैं जैसे प्रधानमंत्री दिवाली में वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 के दशक में यहां पर आए थे, गरुड़ चट्टी जो एक जगह है, गरुड़ चट्टी, वहां पर उन्होंने तकरीबन एक महीने से ज्यादा साधना की और तब से उनका लगाव था, और ये पहला मौका है जब देश का प्रधानमंत्री कोई लगातार अपने शासन काल में पांचवी बार आ रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास है। और ऐसी जगह उन्होंने चुनी है, केदारनाथ आते हैं तो उसके पीछे भी उनका मकसद यही होता है। दरअसल भगवान के दरबार में आना एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ उससे जो पूरा असर पड़ता है, सरप्राइज, जैसे हम बात कर रहे थे कि 6 महीने का रोजगार है, तो लोगों को रोजगार से जोड़ना ये भी एक बड़ा बात है। उन्होंने कहा था कि जो धार्मिक स्थल है वो धर्म के केंद्र को है ही, वो रोजगार के भी केंद्र बने, हम ये चाहते हैं, और उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हैं। धार्मिक जो स्थल है हमारे, जो कि दक्षिण के नंबूत्री ब्राह्मण होते हैं, वो यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं, मुख्य रावल होते हैं, तो ये बहुत सारे मैसेज वो एक साथ देना चाहते हैं केदारनाथ में आने के बाद। एक तो आपको भाईचारा और एकता का मैसेज, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जोड़ने का मैसेज, साथ ही साथ रोजगार के मानचित्र पर जो धर्म स्थल है उन्हें लाने का मैसेज, और साथ ही साथ जो मंदिर है उसकी महत्ता भी समझ में आती है कि जब देश का प्रधानमंत्री आता है वहाँ सर झुकाता है, आस्था से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आती हैं, तो लगता है कि वाकई में जो भोले के भक्त हैं या जो बाबा केदार को मानते हैं उनके दिलों में वाकई में खुशी होती है कि देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति यहाँ पहुंचा है और श्रद्धा से सर झुका रहा है। बिल्कुल, श्रद्धा से सर झुका रहा है। न्यूज इंडिया भी ग्राउंड जीरो पर है, लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं, खबर भी बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात निदा यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे परसों सुबह में, और उससे पहले न्यूज इंडिया यहां पर पहुंच गया है। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, और यह हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां की तैयारियां, आप जानते हैं कि 16 से 17 घंटे की ट्रैवलिंग होती है और ठंड भी काफी ज्यादा है इस वक्त यहां पर, और मौसम तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम है। बिल्कुल, यहाँ पर सरफराज आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरीके से हमारा काफिला, न्यूज इंडिया का काफिला सबसे पहले, पीएम मोदी से भी पहले केदारनाथ पहुंचा है, चाहे वो काशी की तस्वीर हो या फिर अब केदारनाथ की तस्वीर हो, हर तस्वीर पर महत कवरेज लगातार न्यूज इंडिया की जा रही है। ऐसे में इस काफिले के सामने आप खुद मौजूद थे, इस पूरे काफिले के साथ, क्या बदलाव आपने देखा पहले की सूरत में और अब की सूरत में केदारनाथ के रास्तों में, कितनी तस्वीर बदली? देखिए, ये एक ऐसा सवाल आपने किया है, मैं इस बात को लगातार महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे सहयोगी रमन भी हैं, चूंकि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हम जब जब भी यहाँ पर आए हैं, इस बार जो हमारा ये जो दौरा है इस वक्त, आप देख सकते हैं कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत तस्वीर बदल गई, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुद नजर बने हुए हैं। रमन से मैं बातचीत करता हूँ, रमन, जिस तरीके से पहले की बात करें और अब की बात करें, सड़कों से लेकर तमाम तरह की जो सुविधाएं बदली हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, देखिए, ऑल वेदर रोड का ये प्रोजेक्ट है, लगातार चल रहा है, कोशिश यही होती है कि मतलब 12 महीने हुए चलता रहे, काम चलता रहे। हालांकि जो अभी पिछली बारिश हुई है उसमें बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई, बहुत ज्यादा जगह रोड ब्लॉक हुई, और ये जो मुख्य रास्ता था कई बार ब्लॉक हुआ, बंद हुआ, लेकिन कोशिश यही है कि लगातार इसमें काम चले और ये जो रास्ता है ये 12 महीने खुला रहे, तो इसी के लिए सारी कवायद चल रही है। और जैसे कि हमने देखा कि हम ऋषिकेश से जब चढ़ना शुरू होते हैं तो जगह जगह जो रास्ते हैं, चाहे तोता घाटी आती है, बहुत संकरी रास्ता था, उसमें जो चौड़ा होना है वो शुरू हो चुका है काम, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एक साल में जो बरसात का टाइम आता है उसमें भी ब्लॉकेज ना हो, हम रास्ता ही जगह जगह जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही थी, तमाम तेजी से काम हो रहे हैं। और निदा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लैंडस्लाइड, चूंकि कुदरत यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, कुदरत
का कहर काफी ज्यादा देख भी रहे हैं आप। आए कुछ महीनों में, अभी आपसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नैनीताल में जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ 2013 में, जो केदार धाम में जो एक बड़ा हादसा हुआ था आपको याद होगा, चूंकि उस वक्त हम लोग मौजूद थे, कवर करने के लिए आए थे, बहुत तस्वीर बदली है और जिस तरीके से काम हो रहा है वाकई में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में अब जिस तरीके से ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है सरफराज, अगर इस दौरे को देखा जाए तो विकास के लिहाज से बेहद खास है क्योंकि कई सौगातें पीएम मोदी देने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम बात करें चुनाव के मूड के हिसाब से तो उस लिहाज से भी विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रहा है कि अगर जब जब चुनाव आते हैं तो हर जगह की याद पीएम मोदी को आ जाती है। चुनावी दौरे के हिसाब से अगर देखें तो कितना खास उत्तराखंड के लिए? देखिए, चुनाव की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि लगातार हम, मैं भी और रमन भी, उत्तराखंड के चुनाव कवर करते रहे हैं, लगभग डेढ़ दशक से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि यहां पर बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस, लेकिन इस बार नई दो पार्टी और आ गई है। एक तो पुरानी पार्टी है यूकेडी जो कि लगातार कोशिश कर रही है, अब उनका बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के यहां बहुत ज्यादा पोस्टर लगे हैं, लेकिन फाइट जो है वो लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी कोशिश करेगी कि सत्ता में वापसी करें और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि सत्ता में किस तरीके से लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनाई उसके बाद तमाम तरह की जो सुविधाएं दी हैं उससे यहां के लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं अलग जगहों पर, वो उनका साफ कहना है कि साहब अगर वो दिल्ली से यहां आते हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। यूकेडी लगातार कोशिश कर रही है। रमन, सबसे बड़ा सवाल यह है, चूंकि उत्तराखंड के चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं आप जानते हैं, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस चूंकि अपने अपने खेमे बने हुए हैं, चूंकि अब जैसे ही चुनाव शुरू हुआ बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाने शुरू हो जाएंगे, कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाने शुरू हो जाएंगे, जो आम आदमी पार्टी है और यूकेडी है उसका कितना असर होगा? बिल्कुल सरफराज, यशपाल आर्य जो मंत्री थे कांग्रेस में मंत्री रहे, फिर बीजेपी में मंत्री बने, फिर से कांग्रेस में चले गए, तो मतलब ये तो जो बैंगन है वो लुढ़कने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी देखना होगा कितना असर डालती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तराई का इलाका है, उधम सिंह नगर है, किच्चा है, बाजपुर है, यहां कुछ उनका असर हो सकता है, या फिर हरिद्वार या देहरादून जैसी सीटों पर कुछ हो सकता है, लेकिन पहाड़ में आम आदमी पार्टी जड़ पाएगी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अभी मेरे को लगता है कि जो अभी मुख्य मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है, दोनों ही बड़ी पार्टियां, एक बार एक सत्ता में रहा, एक बार एक सत्ता में रहा, तो लगता है यही है। और अब अगर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को आप राजनीति से जोड़कर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के भी नेता है, तो अगर ये उनका मैसेज, मकसद जो भी कहें वो उनका तरीका है करने का, और इसका वाकई में असर पड़ेगा अगर वो केदारनाथ धाम आते हैं, कपाट बंद होने से पहले आते हैं, तो अगर इसका कोई राजनीतिक संदेश वो देना चाहते हैं तो उनके भाषण में वो होगा, अगर वो कुछ बोलते हैं वहां जाके तो वो सारी चीजें सामने आएंगी। और सत्तारूढ़ पार्टी के पास ये फायदा तो होता है कि आचार संहिता से लगने से पहले वो लोक लुभावन योजनाओं की गारंटी दे सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं, तो ये फायदा उन दोनों के ही पास है, क्योंकि यहाँ केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। और रमन, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अनिल बनूरी जो राज्यसभा सांसद भी हैं और बीजेपी के नेशनल मीडिया भी संभालते हैं, हेड भी हैं, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे एम्स की बात हो, संचार माध्यम की बात हो, सड़कों की बात हो, वो हर डिपार्टमेंट से उनको देखते हैं, लगातार वो कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड को दिया जाए। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ की जनताओं में जो एक के बाद एक सीएम बदले गए हैं उसका भी क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल उसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे और आपने उसके बाद क्या किया, पिछली बार के भी चुनाव थे उसमें ऐसा ही हुआ था कि आपने लास्ट में निशंक को हटा के फिर खंडूड़ी को लाया, जिससे फिर उसके बाद हार का सामना करना पड़ा, हरीश रावत आ गए, तो इस बार भी जिस तरह से लगातार सीएम बदले हैं तो उससे लगता है कि कुछ भरोसा तो डगमगाया जनता का होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक आपको लगता है कि चेहरा बदलने से सब कुछ बदल जाएगा, चार साल में अगर आपने कुछ नहीं किया वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा होगा नहीं। और ऊपर से हरीश रावत हैं, उनको लेकर पिछली बार लगातार वो हारे, अपनी सीट भी हार गए बेचारे, तो इस बार किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों को देखना पड़ेगा कि अपने अंदर के सिपह सरारों को संभाल के रखें, वरना दोनों के लिए मुश्किलें होंगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जिस तरीके का छोटा राज्य है और यहाँ की सियासत से जो लोग वाकिफ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ का जो सियासी ऊंट है वो किसी भी करवट हो सकता है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। और इसी तरीके से जब अभी शुरुआत हो रही है, जैसे यशपाल आर्य का इन्होंने जिक्र किया था, एक के बाद एक नेताओं पर एक दूसरे नेताओं रहती है, और सबसे बड़ी बात यह कि सत्ता की मलाई खाना यहां का हर नेता चाहता है। बिल्कुल ठीक है, सरफराज और रमन ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इंडिया न्यूज पहुंच चुका है पीएम मोदी के दौरे के हर महाखबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने के, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज और रमन आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी लाइव सीधा वहां से जुड़े हुए, तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे जवानों संग पीएम मोदी जो है दिवाली मनाने जा रहे हैं, इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बने हुए। इसके अलावा केदार में जय जयकार की गूंज जो है वो भी अभी से सुनाई दे रही है, केदारनाथ के रास्ते न्यूज इंडिया का काफिला भी पहुंच चुका है वहां पर, पल पल की हर
हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी दरअसल 5 नवंबर को केदारनाथ में मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर कई बातें जो है वो कही जा रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को मानने की आस्था में उनका विश्वास है गहरा, इसलिए हर लिहाज से उनका ये दौरा जो है सिर्फ श्रद्धा के लिहाज से देखा जाना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त एक अहम खबर ये भी कि जवानों संग पीएम मोदी दिवाली मनाएंगे हर साल की तरह, इस पर आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटी है उसके बाद से विरोध की तस्वीरें भी हमने देखी थी, ऐसे में क्योंकि पीएम मोदी एक बार फिर से कश्मीर का रुख कर रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कैसी तैयारी है इस वक्त कश्मीर में? देखिए, ये एक बहुत ही प्री प्लान्ड इस तरह के विजिट होते हैं। जब भी पीएम बाहर जाएँ तो न केवल एसपीजी का घेरा बल्कि पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री इन सभी का घेरा होता है। और सुरक्षा के मद्देनज़र देखिए काफ़ी कुछ सैनिटाइज होता है, सभी को वहाँ पर आने की एंट्री नहीं होती है, बल्कि इंडियन आर्मी में भी जो फॉर एग्जांपल जिस तरह से पीएम नौशेरा जाएंगे अब कल, वहाँ पर भी जो यूनिट है बेस है वहाँ पर भी सिलेक्टेड लोगों को ही आने मिलता है। और इसीलिए ये बहुत पहले से तैयारी की जाती है, बहुत शांति तरीके से की जाती है। सीक्रेट मैं ज़रूर वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता है मुश्किल से ही कुछ इक्का दिक्का लोगों को दिल्ली में और साउथ ब्लॉक में इस बारे में पता होता है, और यूनिट पर जो लोग होते हैं उनमें भी जवानों को भी सभी को पता नहीं होता है। अब शायद शाम को बताया जाएगा कि पीएम मोदी उन जवानों के साथ में आने वाले हैं। तो इस तरह से सुरक्षा इंतजाम काफ़ी पुख्ता किए जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री रोड वेज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, इसीलिए जो सुरक्षा का घेरा है उसमें काफ़ी कुछ, चाहे वो स्नाइपर्स हों या फिर एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर्स हों, इन सभी का ख्याल रखा जाता है। और साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि बॉर्डर के पास पीएम जाते हैं तो दुश्मन देश से किसी तरह की मिसाइल नहीं आ पाए, तो एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव अलर्ट मोड पे रहता है कि अगर किसी तरह से हवाई मिसाइल या फिर हवाई कोई फाइटर जेट या फिर हेलीकॉप्टर हो तो उसे तुरंत ही नेस्तनाबूद किया जाए। और अब वो ड्रोन के पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। निदा, बिल्कुल, चलिए आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर में जवानों संग दिवाली मनाएंगे और उधर केदारनाथ में भी जय जयकारों की गुंज जो है वो सुनाई दे रही है। दोनों खबरों पर लगातार न्यूज इंडिया की नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।